गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सब लोग? बहुत अच्छे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी वन थिंग, अभी तक आपके बाकी सब्जेक्ट्स शुरू हो चुके होंगे। नाउ टेक्निकली आज से लेकर आपका अकाउंट्स की क्लास शुरू होगी। एज वी ऑल नो कि अभी तक हम थोड़ा सा मैं छुट्टी पर था, तुम छुट्टी पर नहीं थे। सो नाउ अब मैं छुट्टी से वापस आ गया हूँ। सो टेक्निकली नाउ फ्रॉम मॉर्निंग 7 o'clock आपका रियल सेशंस स्टार्ट होंगे। और सबसे सुबह वाले सेशन में बस एक ही रिक्वेस्ट होगी आपसे कि अच्छे से प्रॉपरली रात भर नींद करके आइएगा। मिनिमम 6 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक बात ज़रूर बोलूँगा कि 6 घंटे की नींद पूरी करने के लिए अगर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज होमवर्क से करना पड़े तो कर लेना, बट 6 घंटे की नींद जरूर है। मैं खुद बोल रहा हूँ एज अ फैकल्टी, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि 6 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका अगला दिन बहुत अच्छा जाए। सो थोड़ा बहुत अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े होमवर्क से आप कर लेना। जो अगली क्लास में आपको बीच में ब्रेक मिलता है ना, बीच में आधे घंटे का, 15 मिनट का, 10 मिनट का, उस ब्रेक में अपने होमवर्क को कवर अप करने की कोशिश करना कि अगर आपका छूट गया हो तो, ताकि आपका अगला दिन बहुत अच्छा जाए। एनीवेज लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। नाउ हमने लास्ट जब क्लासेस कंडक्ट की थी, जब फर्स्ट क्लास कंडक्ट की थी, तो मैंने आपको बोला था कि स्टार्टिंग के 4-5 दिन तक हम बेसिक्स पर ध्यान देंगे। क्या मैंने आपको बताया था कि अपने को एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा? बोला था मैंने। एनीवेज मैं फिर से बोल देता हूँ, हमें 2 रजिस्टर चाहिए रहेंगे। पहला एक नॉर्मल क्लास वर्क के लिए हमें एक रजिस्टर चाहिए रहेगा, ठीक है? वो आपके पास एक अवेलेबल होना चाहिए जो आप क्लास में लेके आओगे। AS के लिए एक अलग रजिस्टर होगा, जब मैं आपको AS शुरू करवाऊंगा तब आप AS का रजिस्टर तब लेके आओगे करने वाला, ठीक है? सो अगर आज के लिए रजिस्टर नहीं है कोई बात नहीं, आज आप अपने किसी भी पेज पर या कहीं पे भी आप लिखना शुरू करेंगे। आप जो अपन जो प्रॉपरली जो पॉइंट्स स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक्स के पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप अपने बुक में मतलब कॉपी में एक हेडिंग डालें, बेसिक्स। बेसिक्स की एक हेडिंग डालें। हम उन्हीं बेसिक्स की बात कर रहे हैं जो बेसिक्स हमने लास्ट क्लास में शुरू किए हैं। मैं उन्हीं बेसिक्स की बात कर रहा हूं जो हमने लास्ट क्लास में शुरू किए थे और उसके बाद हमें अब आगे बढ़ना है। क्लास की शुरुआत हमेशा रिवीजन से की जाएगी। सो इसीलिए मैं पहले रिवाइज करवाऊंगा जो भी चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में करवाई थी, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। सो बेसिक्स में आप लिखेंगे, लिखिए बेसिक्स में अपन को क्या लिखना है। अगर कुछ लिखा हुआ है पहले से ही, क्योंकि लास्ट क्लास में अगर आपने लिखा हुआ तो आप बस मैच करते हुए जाना कि वो लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, आप लिख लेना, मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं। बेसिक्स में आप लिखेंगे, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स। देर आर 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स। देर आर 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। First is recognition. बच्चों ये recognition का मतलब क्या होता है? थोड़ा तेज बोलो ना यार, सुबह सुबह का टाइम है, चाय पी के आया करो अच्छे से। हाँ, रिकॉर्डिंग करना है ना, किस जर्नल एंट्री पास करना। यस, रिकॉग्निशन। फर्स्ट इज रिकॉग्निशन, तो इसके आगे लिखिए, अभी सेकंड पॉइंट मत लिखना, इसके आगे लिखिए टू रिकॉर्ड, मतलब रिकॉग्निशन एक हेडिंग हो गई है ना, डैश लगा के, हाइफन लगा के लिखिए टू रिकॉर्ड द
the financial transactions and events. To record the financial transactions and events. Financial transactions and events. जितने भी financial transactions होते हैं उनको record करना, जितने भी financial events होते हैं. Financial event मतलब सर, कोई example देगा मुझे financial event का? Transaction का नहीं, event का पूछ रहा हूं. बेटा सेल ऑफ एसेट इज अ ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन क्या होता है? जब आप एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ कोई लेन देन का ट्रांजेक्शन करती है, मतलब दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं. इवेंट में जरूरी नहीं कि दो पार्टीज इन्वॉल्व हो, जरूरी नहीं. हो सकता है इवेंट अपने आप अकर हो जाए बिना किसी ट्रांजेक्शन के. लॉस बाय फायर. फायर लगी, लॉस हुआ, अपने आप इवेंट हो गया. आई बात समझ में कि नहीं? सो लॉस बाय फायर मे बी कॉल्ड एज इवेंट. सो लॉसेस, अर्थक्वेक, कुछ ऐसे ऐसे चीजों को बोलते हैं इवेंट. अंडरस्टूड और नॉट? टेल मी बेटा. ओके, सो आप चाहो तो इवेंट को एक एग्जाम्पल करके लिख सकते हो. इवेंट को एग्जाम्पल फॉर्म में करके लिख सकते हो. इवेंट मतलब एग्जाम्पल करके इवेंट का. लॉस बाय फायर बैड डेट अकर्ड. बैड डेट भी एक इवेंट होता है. आपको आपके डेटर से पैसे लेने थे, आपके डेटर ने पैसे नहीं दिए, खा के भाग गया. तो ये कोई ट्रांजेक्शन किया आपने कि चल तू खा के भाग जा, चल मैं एग्री करता हूं कि तू खा के भाग जा, ये कोई ट्रांजेक्शन है क्या? नहीं. ट्रांजेक्शन एक तरीके से ना दो पार्टीज के बीच का एग्रीमेंट होता है कि चल ठीक है मैं तेरे को सेल कर रहा हूं, चल ठीक है तू मुझसे परचेज कर रहा है, चल ठीक है मैं तेरे को बोरो कर रहा हूं, तेरे से पैसे उधार ले रहा हूं, या तेरे को पैसे दे रहा हूं. दो पार्टीज के बीच का एक एग्रीमेंट होता है एक तरीके से, वो ट्रांजेक्शन होता है. इवेंट के लिए कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती. मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अरे बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही कि नहीं? ओके, सो ये एग्जांपल लिखा अपने इवेंट का. तो पहला अपन ने देखा रिकग्निशन. अपने को चार इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल समझने. द फर्स्ट वन इज रिकग्निशन. रिकग्निशन मतलब, अरे यार ढीले हो यार तुम लोग, जल्दी बोलो. रिकॉर्डिंग करना. ओके, किस चीज की रिकॉर्डिंग करना? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स. ओके, सेकंड पॉइंट मेजरमेंट. सेकंड पॉइंट इज मेजरमेंट. सेकंड पॉइंट इज मेजरमेंट. मेजरमेंट क्या मतलब होता है? मेजरमेंट का मनी, यस, वैल्यू किसी भी. अच्छा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फर्स्ट वाला पॉइंट क्या था? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को क्या करना? रिकॉर्ड करना. अब रिकॉर्ड कितने पे करना? रिकॉर्ड कितने पे करना, उसको क्या बोलते हैं? मेजरमेंट. आई मेरी बात समझ में कि नहीं? सो इसको एक आपकी एक हेडिंग बन गई, डैश लगा के आगे लिखिए इसमें. The recognition of financial transaction at which value. मतलब recognition तो कर रहे हैं पर कौन सी value पर. The recognition of financial transaction or event at which value. ठीक है, क्वेश्चन मार्क और करके और ओ आर और व्हाट शुड बी द वैल्यू. व्हाट शुड बी द वैल्यू. समझ आया? टेल मी गाइस. ओके, वैल्यू क्या होनी चाहिए? जैसे मैंने असेट खरीदा. मैं आता हूं आपके पास. हां, मैंने असेट खरीदा. ठीक है, असेट खरीदा मैंने तो 1 लाख रुपीस पे खरीदा. अब मैंने 1 लाख रुपीस पे असेट खरीदा तो मैंने एंट्री पास कर दी, उसको बोलते हैं रिकग्निशन.
बताओ बच्चों, 1 लाख रुपीज पर असेट खरीदने की एंट्री क्या होगी अगर मैं कैश दे रहा हूं तो? असेट अकाउंट डेबिट टू कैश. ओके, मैंने 1 लाख रुपीज पे कर दिया. अब असेट को मैंने खरीदा था ईयर के बिगिनिंग में, ईयर के बिगिनिंग में मतलब स्टार्टिंग में. साल भर मैंने असेट को यूज किया, असेट के ऊपर लगाया मैंने डेप्रिसिएशन. क्या लगाया? तो क्या मुझे असेट की वैल्यू बदलनी चाहिए कि नहीं चाहिए? कि असेट 1 लाख पे ही दिखना चाहिए हमेशा? बोलो बच्चों, अगर मेरी असेट डेप्रिशिएबल असेट है जिस पे डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, तो क्या मैं ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन लगाऊं कि नहीं लगाऊं? बोलो 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 बोलो, लगाना चाहिए. क्यों लगाना चाहिए? वेयर एंड टेयर हो गया, ऑब्सोलेंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, बहुत सारे क्या कारण होते हैं डेप्रिसिएशन लगाने के. अरे आपने फाउंडेशन में एक चैप्टर पढ़ा होगा ना डेप्रिसिएशन का. सो बैलेंस शीट पे, बैलेंस शीट डेट पर मेरी असेट क्या 1 लाख रुपए की होनी चाहिए? क्या 1 लाख रुपए की होनी चाहिए? जल्दी बोलो. नहीं नहीं नहीं, 1 लाख की नहीं होनी चाहिए, 1 लाख से थोड़ी सी कम पे होनी चाहिए क्योंकि मैंने बाकी का यूज किया है. अरे बोलो बच्चों, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू, असेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए बैलेंस शीट पर? तो मुझे उसको, असेट को क्या करना पड़ेगा? मेजर करना पड़ेगा. अरे बोलो ना बच्चों, मुझे बैलेंस शीट डेट पर असेट को क्या करना पड़ेगा? मेजर करना पड़ेगा. तो मैंने बोला कि चलो, मेरा यह मानना है कि मैंने साल भर में असेट को 10% यूज किया. कितना यूज किया? तो 1 लाख का 10% कितना? 10,000. इसका मतलब आज मेरी असेट की वैल्यू बैलेंस शीट डेट पर कितनी होनी चाहिए? 90,000. तो मैंने ये क्या किया? मेजरमेंट. क्या किया? आई मेरी बात समझ में? स्टॉक जानते हो क्या होता है? क्या होता है स्टॉक? इन्वेंट्री. इन्वेंट्री स्टॉक, समझते हो ना? अच्छा, तुमने इन्वेंट्री खरीदा 20,000 रुपीज का. कितने का? 20,000 रुपए का तुमने इन्वेंट्री परचेज किया, राइट? ओके, तुमने 20,000 का इन्वेंट्री परचेज किया एंड यू डिसाइडेड कि तुम इस इन्वेंट्री को सेल करोगे 25,000 में. आगे चल के तुम कितने में सेल करोगे? 25,000 में. ईयर एंड पर वो इन्वेंट्री सेल नहीं हुआ तो क्या माना जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक. यस और नो? ईयर एंड पे क्या माना जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक. इस क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्टिंग कितने का है? कितने का खरीदा था? बोलो बेटा, कितने का खरीदा था? कितने का? 20,000. हमारा एक एएस है, अभी मैं एएस नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ बात बता रहा हूं आपको. हमारा एक एएस है, एएस नंबर 2, उसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज. सुना होगा ना शायद नाम? नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं. एएस 2 वैल्यूएशन ऑफ, वो कहता है कि ईयर एंड पर जब तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया तो तुम उसको बैलेंस शीट में दिखाओगे. कहां दिखाओगे? असेट साइड में, बैलेंस शीट पर दिखाओगे. तो तुम्हें उसको मेजर करना है, मतलब उसकी वैल्यू वापस से चेक करनी है कि वो वाकई में 20,000 का ही है कि और कोई वैल्यू का है. तो AS2 बोलता है कि बैलेंस शीट डेट पर, मतलब ईयर एंड पे, तुम्हें अपने स्टॉक को कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर या लेस पे दिखाना होता है. तो बच्चों, कॉस्ट कितनी थी? 20,000. अरे था कि नहीं था? बोलो ना. एनआरवी का फुल फॉर्म होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू. इसका मतलब क्या होता है एनआरवी का? मार्केट प्राइस. इसका मतलब होता है कि मुझे इसको कितने में बेचने का है, मतलब ये एसेट कितने, ये स्टॉक कितने का बिकेगा और बेचने पर कितना खर्चा आएगा, वो माइनस करने के बाद की वैल्यू. नेट, आगे वर्ड क्या लिखा है? नेट. नेट पूरा फुल फॉर्म बोलना फिर से. मतलब मैं कितना रियलाइज करूंगा अगर मैंने बेचा तो. तो मैंने बोला कि मैं 25,000 रियलाइज करूंगा क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि मैं उसको कितने में बेचूंगा? 25,000. और बेचने पर मेरा 500 का एक्सपेंस आएगा. कितने का एक्सपेंस आएगा? 500 का. बेचने पर मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा. तो मुझे नेट कितना रियलाइज हो सकता है? 24,500. और मेरा कॉस्टिंग कितने का है? बोलो बच्चों. तो विच एवर इज लोअर, तो मुझे इस इन्वेंट्री को कितने पे दिखाना चाहिए? 20,000. यहीं पर जो स्टॉक ये था ना 20,000 का, ये
डेड स्टॉक हो गया, ये पुराना स्टॉक हो गया, पुरानी टेक्नोलॉजी का स्टॉक हो गया, इसकी मार्केट में वैल्यू बची नहीं है अच्छी खासी, पुराना हो गया, डैमेज हो गया, आप उसको कुछ भी बोल सकते हो, डैमेज हो गया, पुराना हो गया, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, ऑब्सोलीट हो गया। इस वजह से अब मैं जब इसका एनआरवी निकाल रहा हूं ना, तो इसका एनआरवी आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 18,000, कितने का, कितने का बच्चों, 18,000, कितने का, तो इसका एनआरवी आ रहा है 18, बताओ विच एवर इज लोअर क्या होगा, टेल मी विच एवर इज लोअर क्या होगा, 18,000 तुमने परचेज, तुमने परचेज कितने में किया था, तो जब तुमने परचेज किया होगा तो एंट्री क्या की होगी, रिकॉग्निशन रिकॉर्ड, हाँ परचेज अकाउंट डेबिट समथिंग कुछ किया होगा कि नहीं किया होगा, एंट्री क्या करते हैं परचेज करने की, गुड्स परचेज करने की, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर अगर मैंने क्रेडिट पर परचेज किया होगा तो टू क्रेडिटर, अरे बोलो ना, और कितने में परचेज किया था, 20,000 में, तो मैंने जब मैंने इसको रिकॉर्ड किया तो इसको कितने पे मेजर किया, कॉस्ट पे, बोलो बोलो, पर जब मैं बैलेंस शीट डेट पर इसको फिर से मेजर कर रहा हूं तो विच एवर इज लोअर पे कर रहा हूं, मतलब कितने पे, कितने पे, तो इसको मैं बैलेंस शीट डेट पर उस दिन की वैल्यू पर दिखा रहा हूं जो उसकी वैल्यू आज कायदे से बनती है, तो इसको मैंने बोला मेजरमेंट, मतलब मैं जो आपको समझा रहा हूं ना, ये क्यों समझा रहा हूं मैं आपको, सेकंड पॉइंट के चक्कर में, सेकंड पॉइंट मैंने आपको क्या लिखवाया, जल्दी बोलो, सेकंड पॉइंट क्या लिखवाया मैंने आपको, मेजरमेंट, सेकंड पॉइंट मैंने आपको लिखवाया है मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब एक बार आपने उसको रिकॉर्ड किया तो आपने उस टाइम पे भी मेजर किया होगा, अब आप जब दूसरी बार बैलेंस शीट डेट पर उसी आइटम को चेक कर रहे हो तो क्या पता हो सकता है वैल्यू बदल जाए, नहीं आया क्या समझ में, तो बताओ मेजरमेंट कब कब होता है, मेजरमेंट दो बार होता है, एक तो पहली बार जब रिकॉर्ड करना है परचेज, मतलब ये तो एग्जाम्पल हो गया, वैसे मैं पूछ रहा हूं मेजरमेंट कब कब होता है, दो बार होता है, कौन से दो बार, पहली बार जब रिकग्निशन होता है, क्या होता है, और दूसरी बार जब, दूसरी बार जब बैलेंस शीट डेट पर, क्या, बैलेंस शीट डेट पर, तो ना तुम लिखो इसको, तुम लिखो इसको मेजरमेंट मेजरमेंट इज ऑलवेज डन ट्वाइस, साउंड प्रॉपर नहीं है, जल्दी ऊपर आओ, मेजरमेंट इज ऑलवेज डन ट्वाइस, फर्स्ट, इसमें पहला मेजरमेंट दो बार होता है ना, ये आपको मेजरमेंट वाले पॉइंट में ही लिखना है, थर्ड हेडिंग मत डालना, हाँ, मेजरमेंट इज ऑलवेज डन ट्वाइस, फर्स्ट एट द टाइम ऑफ, यस रिकग्निशन, वेरी गुड, एट द टाइम ऑफ रिकग्निशन, एट द टाइम ऑफ, क्या बोला मैंने, ब्रैकेट में कर दो इनिशियल रिकग्निशन, इसको बोलते हैं इनिशियल, मतलब फर्स्ट टाइम, पहली जब आप बार, पहली बार जब आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, इनिशियल रिकग्निशन, इनिशियल पहली बार जब आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो शुरू शुरू में, अरे समझ आया कि नहीं, और दूसरा इसमें क्या लिखोगे, एट बैलेंस शीट डेट, एट बैलेंस शीट डेट, एट बैलेंस शीट, मतलब मेजरमेंट दो बार होता है हमेशा, दो बार, कब कब होता है बच्चों, रिकॉग्निशन के टाइम पर और दूसरा बैलेंस शीट डेट पर, गाइज अंडरस्टूड और नॉट, अच्छा दो पॉइंट, दो कौन से बेसिक प्रिंसिपल समझने पड़े अभी तक, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, ये तो समझ में आ गया कि रिकॉग्निशन मतलब रिकॉर्ड करना, मेजरमेंट मतलब उसका वैल्यू बताना, वैल्यू करना, आई बात समझ में, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट,
प्रेजेंटेशन, थर्ड पॉइंट इज प्रेजेंटेशन, थर्ड पॉइंट इज प्रेजेंटेशन। क्या होता है प्रेजेंटेशन का मतलब? लेजर पोस्टिंग? नो, फिर से बोलना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको प्रेजेंट करना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना, यही आता है ना। आपने अभी एक एंट्री पास की थी, क्या एंट्री पास की थी बेटा? मान लो आपने ये एंट्री पास की, ये परचेज टू, क्या एंट्री पास की ब्रो? परचेज टू क्रेडिटर। आपने जैसे ही एंट्री पास कर दी परचेज टू क्रेडिटर, तो अब मुझे परचेज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां दिखाने का है बताओ? ट्रेडिंग पीएनएल में दिखाने का है कि बैलेंस शीट में दिखाने का है? हाँ, ट्रेडिंग पीएनएल मतलब पीएनएल अकाउंट में दिखाना है। अरे बोलो रे, मैं उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में दिखाऊं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में दिखाऊं? इनडायरेक्ट में दिखा देता हूं, दिक्कत क्या है? छोटा मोटा आइटम होगा। साउंड इशू आ रहा है बीच बीच में, अचानक से वॉइस बहुत ज्यादा आ रहा है। हाँ, कुछ खरखर हो रहा है। ठीक, हाँ जी, तो ये एंट्री पे आओ। इस एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट है, परचेज को मुझे कहां दिखाना चाहिए? बैलेंस शीट में, जल्दी बोलो। ट्रेडिंग पीएनएल में दिखाना चाहिए। अरे बोलो रे, और क्रेडिटर को मुझे कहां प्रेजेंट करना चाहिए? पीएनएल के क्रेडिट में। नहीं नहीं नहीं, कर देते हैं, आज फ्राइडे है, कुछ नया करते हैं। हाँ, जल्दी बताओ सर, क्रेडिटर को आप लायबिलिटी बताते हुए कहां दिखाओगे? बैलेंस शीट में। अच्छा, तो मुझे क्रेडिटर को बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए। अब बैलेंस शीट में मुझे उसको कहां दिखाना चाहिए? करंट लायबिलिटी में कि नॉन करंट लायबिलिटी में? जनरली करंट लायबिलिटी में, क्योंकि वो मुझे उसको विद इन 12 मंथ्स ही पे करना पड़ेगा। अरे बोलो रे, ये सब मैं क्या कर रहा हूं? प्रेजेंटेशन। मुझे उठाओ, एक एक आइटम को उठा उठा के कहां कहां मुझे उसको दिखाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? गाइस, अंडरस्टूड और नॉट? तो लिखो प्रेजेंटेशन का मतलब, लिखो इसमें प्रेजेंटेशन, आपने हेड बना दिया, ठीक है ना, डैश करके लिखो। टू प्रेजेंट और टू शो, टू प्रेजेंट और टू शो ऑल द आइटम्स ऑफ असेट्स कॉमा लायबिलिटीज कॉमा इक्विटी कॉमा एक्सपेंस एंड इनकम्स टू प्रेजेंट ऑल द आइटम्स ऑफ असेट्स लाइबिलिटीज इक्विटी एक्सपेंस एंड ऑल इनकम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सभी असेट्स को, लायबिलिटीज को, इक्विटीज को, एक्सपेंसेस को, इनकम्स को प्रेजेंट करना, शो करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, दिखाना। आई बात समझ में कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन। गाइस, अंडरस्टूड और नॉट? पक्का क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी बोलो। ओके, अगर मैंने तुम्हें लोन दिया, और मैंने तुम्हें बोला कि तुम मुझे ये लोन का पैसा 2 साल बाद वापस करोगे, कितने साल बाद? 2 साल बाद वापस करोगे, तो बताओ मुझे इसको कहां प्रेजेंट करना चाहिए? मैंने तुम्हें लोन दिया है, मैं इसको कहां प्रेजेंट करूं? पहले बात तो बैलेंस शीट में प्रेजेंट करूं कि पीएनएल में प्रेजेंट करूं? सर, बैलेंस शीट में करना चाहिए। इज एवरीबॉडी क्लियर? क्यों, मतलब बैलेंस शीट में क्यों प्रेजेंट होना चाहिए? लायबिलिटी है मेरी, मेरी एसेट है तुम्हारी लायबिलिटी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं। बोलो, मेरे लिए क्या है? एसेट। तो मुझे उसको कहां दिखाना चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मतलब बैलेंस शीट में, मतलब एसेट साइड में। अब मुझे उसको कहां दिखाना चाहिए? करंट में कि नॉन करंट में? पहले साल,
फर्स्ट ईयर में मुझे उसको दिखाना चाहिए नॉन करंट में, क्योंकि कितने साल का लोन दिया है। पर जैसे ही एक साल खत्म होने को आया, जैसे ही एक साल खत्म होने को आया, अब बचा है सिर्फ एक ही साल। मान लो बचे हैं 10-11 महीने, अब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं, बताओ अब मुझे क्या दिखाना चाहिए? अब मुझे उसको शिफ्ट करना चाहिए नॉन करंट से करंट में। ये भी एक प्रेजेंटेशन का पॉइंट होता है कि जब आप कोई असेट को पहले नॉन करंट में दिखा चुके थे, बट अब आप उसको शिफ्ट कर रहे हो किसमें? करंट में। या पहले आप उसको करंट में दिखा चुके थे, पर बाद में आपको रियलाइज हुआ कि नहीं 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 ये करंट तो गलत दिखा दिया, हमें तो इसको नॉन करंट दिखाना चाहिए था, इसकी लाइफ तो 12 महीने से ज्यादा है। तो आपने उसको शिफ्ट करके कहां ले गए? नॉन करंट में। तो बेटा प्रेजेंटेशन में ये सब चीजें आती हैं। जब आप एक हेड से दूसरे हेड में भी जाते हो, क्लासिफिकेशंस बदलते हो, तो ये भी एक प्रेजेंटेशन का तरीका होता है। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? डेफिनेटली इसका डिस्क्लोजर तो लगेगा ही लगेगा, डेफिनेटली बिल्कुल। हम डिस्क्लोजर्स पे जब आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि डिस्क्लोजर्स क्यों देना पड़ता है और कब कब देना पड़ता है। आई मेरी बात समझ में? बोलो बच्चों, क्लियर है कि नहीं? अब मैं आपसे ना एक छोटा सा थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के रूप में पूछता हूं। मुझे बताओ, मैंने आपको लोन दिया 1,00,000 रुपए का, फॉरगेट अबाउट द इंटरेस्ट प्लीज, 2 मिनट के लिए ना भूल जाना कि कोई इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ठीक है, आप मुझे अलग अलग से अलग से इंटरेस्ट दे दोगे, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल प्रिंसिपल वैल्यू। आई हैव गिवन यू लोन ऑफ ₹1,00,000 एंड इट वॉज डिसाइडेड कि यू विल पे मी 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। आप मुझे 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करोगे। कितने में पे करोगे? 4। 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मुझे आप पे करोगे, रीपे। रीपे मतलब एक एक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी बच्चों? 25,000 की। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब मुझे बताओ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। आई हैव गिवन यू लोन इधर बिगनिंग पर, एल इज इक्वल टू 1,00,000। मैंने लोन दिया 1,00,000, मुझे तुम हर ईयर के एंड पे रीपे करोगे 25,000। कितना रीपे करोगे? तो बताओ रीपे सबसे पहले तुमने मुझे किया होगा 25,000, जल्दी बोलो कब किया? फर्स्ट ईयर के एंड में। अरे बोलो ना यार, कितना कितना किया? कितना किया? 25,000। तो बताओ अब लोन कितने का बचा? हाँ, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर आउटस्टैंडिंग 75,000। मुझे 75,000 को कहां दिखाना चाहिए? सर एसेट साइड में। यस डेफिनेटली। कहां दिखाना चाहिए? एसेट साइड में, बैलेंस शीट में। इसको मैं यहां पर दिखाऊंगा 75,000। आया समझ में कि नहीं? अरे बोलो रे, कहां दिखाना चाहिए, नॉन करंट में कि करंट में? थोड़ा जोर से बोलो अच्छे से, नॉन करंट। रुक जाइए, 75,000 में से अगली इंस्टॉलमेंट कब मिलने वाली है? विद इन 1 ईयर। सोचो थोड़ा सा सोचो, टोटल मिला के 75,000 बचा है ना। अरे मैंने तुम्हें लोन कितने का दिया था? 1,00,000 का लोन दिया था, तुम्हें मुझे कितने वापस कर दिए? अब तुम मुझे रिमेनिंग कितने वापस करने वाले हो आने वाले 3 सालों में? उस 75 में से 25,000 तुम मुझे कितने टाइम में पे करने वाले हो? जल्दी बोलो, कितने टाइम में पे करने वाले हो? कितने टाइम में पे करने वाले हो? विद इन 12 मंथ पे करने वाले हो? तो क्या मैं कह सकता हूं कि 75 में से मुझे 25 जो होगा वो विद इन 12 मंथ मिलेगा, मतलब ये करंट हो गया? अरे हाँ या ना? और बाकी जो 50,000 होगा वो मुझे विद इन 12 मंथ नहीं मिलेगा, वो मुझे थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, मतलब बियॉन्ड 12 मंथ है। बियॉन्ड 12 मंथ मतलब 12 महीने से ज्यादा पीरियड हो गया। आया समझ? तो बताओ 50,000 क्या होना चाहिए? नॉन करंट। कुछ आया समझ में कि नहीं? तो मुझे बताओ कि इस 75,000 को मैं इकट्ठा 75 बैलेंस शीट में दिखाऊं कि अलग अलग करके दिखाना पड़ेगा? तो बताओ कितना कितना दिखाऊं? सबसे पहले नॉन करंट में, नॉन करंट असेट में दिखाना पड़ेगा कितना? 50। और करंट असेट में कितना दिखाना पड़ेगा? 25,000। कुछ आया समझ में कि नहीं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंटेशन। कुछ समझ में आया कि नहीं? सर ऐसा क्यों कर रहे हो? कोई दिक्कत थोड़ी है, आप 75 दिखा दो। नहीं,
75 खाली खाली दिखाना, अब तू समझ ध्यान से देख, खाली खाली 75 दिखाना या ऐसे करके दिखाना, ज्यादा ज्यादा समझना तुम्हारे लिए एज अ यूजर, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ज्यादा तुम्हें समझ में कहां पर आ रहा है? हाँ, ज्यादा क्लियर कहां समझ में आ रहा है? यह तो समझ में यहां पर भी आ रहा होगा डेफिनेटली कि हाँ ठीक है कंपनी को 75,000 रुपीज लेने होंगे, पर ज्यादा क्लियर कहां पर समझ में आ रहा है? फर्स्ट वाले में? क्यों सर? इससे यह समझ में आ रहा है कि 25,000 तो विद इन 12 मंथ मिलने वाले हैं। अरे समझ आया कि नहीं? तो ज्यादा क्लियर समझ में आ रहा है तो यार ये तो प्रेजेंटेशन ज्यादा बेहतर हुआ, बोलो ना बच्चों। तो ये सब प्रेजेंटेशन के तरीके होते हैं, ये सब प्रेजेंटेशन का पॉइंट होता है। तेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ बोलो। मुझे तो, अगर मैं तो स्टूडेंट होता तो मैं तो बोलता कि सर ये मुझे लिखना है। क्या तुम लिखना चाहते हो? नहीं लिखना चाहते हो? हाँ या ना, जल्दी बोलो। हाँ तो लिखो, ये यहां से स्टार्ट करो, एग्जाम्पल दे दो प्रेजेंटेशन वाले पॉइंट में ही, आप एग्जाम्पल दे दो। लोन गिवन है, ये लोन गिवन, लोन दिया है, नोट किया? चलो, सो दिस वॉज योर प्रेजेंटेशन। तीन पॉइंट्स कौन से हमने डिस्कस किए? रेकग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, थर्ड वन, ओ फोर्थ वन, सॉरी फोर्थ वन, डिस्क्लोजर्स।
फोर्थ वन इज डिस्क्लोजर्स. डिस्क्लोजर्स क्या मतलब होता है? डिस्क्लोजर्स का डिस्क्लोज करना. हाँ, थैंक यू सो मच. पर मतलब क्या होता है डिस्क्लोज करने का? भी मतलब क्या होता है? मतलब हम क्यों डिस्क्लोज करते हैं? यूजर के लिए डिस्क्लोज करते हैं ताकि वो प्रॉपर डिसीजंस ले सके. आ रही मेरी बात समझ में? क्या डिस्क्लोज करते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन तो बैलेंस शीट हो गई ना, बैलेंस शीट तो बना के दे दी. डिस्क्लोजर मतलब क्या डिस्क्लोज करते हैं? उसके अंदर की वैल्यूज. तो बेटा एक बात बता, जैसे मान ले मैंने साल भर में, सबसे पूछ रहा हूं, मैंने साल भर में हजारों ट्रांजेक्शन किए, बहुत सारे ट्रांजेक्शन किए, तो एक एक ट्रांजेक्शन का अमाउंट कहां से आया? मुझे एक एक चीज को डिस्क्लोज करना पड़ेगा. मतलब 5000 ट्रांजेक्शन की, तो 5000 ट्रांजेक्शन की एक एक चीज को मैं डिस्क्लोज करूं अलग से? ऐसे तो पूरी किताब बन जाएगी बैलेंस शीट की जगह. मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहां पर मुझे 10 पेजेस में बनानी चाहिए, मेरी पूरी किताब बन सकती है. क्या डिस्क्लोजर हर चीज का होना जरूरी है? पे अफेक्ट पड़े. डिस्क्लोजर हमेशा मटेरियल इंफॉर्मेशन का होता है. किसका होता है? पहली बात तो किसका होता है? मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट. सर इंपॉर्टेंट मतलब, मतलब ऐसी कोई भी चीज जिससे यूजर की डिसीजन मेकिंग पर इंपैक्ट पड़े. इंपैक्ट पड़े मतलब असर पड़े. ऐसी कोई भी चीज जिससे यूजर के डिसीजन मेकिंग पर क्या पड़े? असर पड़े, उसको बोलते हैं मटेरियल. हम उसको पूरा कभी कभार बोलते हैं मटेरियलिटी प्रिंसिपल. आपने पढ़ा होगा मटेरियलिटी प्रिंसिपल. ऐसी कोई भी चीज को मटेरियल कब बोला जाएगा? जब यूजर के डिसीजन मेकिंग पर वो इंपैक्ट करे, यूजर के डिसीजन मेकिंग को वो असर करे. अरे बोलो बच्चों, समझ में आ रहे? तो क्या डिस्क्लोजर ऑल इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन होना चाहिए? हाँ, अच्छा. अब डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन होना चाहिए तो कहां होना चाहिए? मुझे मटेरियल इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर कहां होना चाहिए? बैलेंस शीट के नीचे थोड़ा सा पीएनएल के नीचे, थोड़ा सा कैश फ्लो स्टेटमेंट के नीचे, और थोड़ा बहुत कहीं और पे. ऐसा नहीं, डिस्क्लोजर हमेशा एक ही जगह पे होना चाहिए. ऐसा नहीं कि थोड़ा सा वहां, थोड़ा सा यहां, जहां जगह मिली चलो बैठ जाओ. ऐसा नहीं, अपने को डिस्क्लोजर एक जगह पर देना होता है, एट वन प्लेस. डिस्क्लोजर हमेशा कहां होता है? एट वन प्लेस, एक जगह पर होता है, जिसको बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स. क्या बोलते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स. अरे बोलो यार, क्लियर? चलो लिखो डिस्क्लोजर के बारे में. To disclose material information about financial transactions and events. To disclose material information about financial transactions and events. About financial transactions and events. At one place. At one place. Bracket में लिख दो notes to accounts. Bracket में कर दो notes to accounts. Notes to accounts. Bracket close. आगे लिखे इसमें full stop लगा के. Here material means any information, any information which can affect the decision making of the users. Which can affect decision making of users. ऐसी कोई भी information जो
यूजर के डिसीजन मेकिंग को असर करे। गाइज अंडरस्टूड और नॉट? समझ आया? मटेरियल मीन्स हेयर, मटेरियल मीन्स एनी इंफॉर्मेशन विच कैन क्या लिखवाया, अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग ऑफ द यूजर्स। गाइज अंडरस्टूड और नॉट? सो आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स, आप एक बार पहले इसको एक बार अच्छे से जो भी हमने अभी तक लिखा है उसको एक बार पहले ओवरव्यू कर लीजिए। 2-3 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप आराम से ओवरव्यू कर लीजिए। देख लिया, ओवरव्यू कर लिया? सर ये जो 4 पॉइंट्स आपने लिखवाए सर, ये पेपर में आएंगे नहीं आएंगे? ये आपकी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये ऐसा नहीं है कि आपसे पूछा जाएगा बताओ बेटा रिकॉग्निशन मेजरमेंट मतलब क्या होता है, बट ये आपको बार बार बहुत सारी जगह पर ये वर्डिंग सुनने को मिलेगी आगे चल के। तो पर अब अगर सुनने को मिलेगी ना तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि हाँ ये क्यों लिखा है ऐसा और ये काय का इसका मीनिंग क्या होता है। अगर हम ये बार 4 बातें ना पढ़ते तो यार लगता कि चलिए ठीक है कुछ होगा रिकॉग्निशन प्रेजेंटेशन, बट अब हम ज्यादा एनालिसिस कर पाएंगे। वैसे भी तुम लोग कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, बट अब ज्यादा और अच्छे से दिमाग को जोर दे सकते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं कि मैं हर चीज अभी जो लिखवा रहा हूं स्टार्टिंग के 4-5 दिन तक पेपर में आने वाली चीज नहीं है, बट वो बहुत ज्यादा सपोर्टिंग मटेरियल है आपके लिए, राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये था your 4 principles for financial statements, right? Now, I want to talk about the elements of financial statements. There are 5 elements of financial statements. Financial statements ke 5 important elements hote hain. Kaun kaun se hote hain? Asset, liabilities, equity, equity matlab capital, incomes and expenses. These are the 5 important elements. अरे जो 4 बातें पढ़ी तुमने, कौन सी 4 बातें अभी जो लिखी तुमने, रिकॉग्निशन मेजरमेंट प्रेजेंटेशन, किसका किसका, इन 5ों का, असेट का, रिकॉग्निशन मेजरमेंट प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, आ रही है मेरी बात समझ की नहीं? वैसे ही लायबिलिटीज का, इनकम्स का, एसेट्स इक्विटी का, एक्सपेंसेस का, इन सब का, ये सब 4 जो बातें पढ़ चुके हो, आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? तो अभी हमने पढ़ा कि भैया ये 4 important principles होते हैं। अब ये 4ों principles किसके ऊपर लगाए जाते हैं? उन 5 elements के ऊपर लगाए जाते हैं। वो 5 elements कौन से? असेट, लायबिलिटीज, इक्विटी, इनकम्स एंड
एक्सपेंसेस गाइस अंडरस्टूड और नॉट पक्का ओके सो हेडिंग डालो अपनी कॉपी में एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स There are five elements of financial statements. वो पांचों एलिमेंट्स के पहले नाम लिख लो असेट लाइबिलिटीज इक्विटीज असेट्स लाइबिलिटीज इक्विटी इनकम्स एंड एक्सपेंसेस अब पहली हेडिंग डालो असेट्स बताओ किसी भी चीज को असेट कब कहा जाएगा सभी बच्चे बोलेंगे अगर वो मेरी क्लास में पिछली दो क्लास में बैठ चुके थे तो मतलब दो जो भी एक के ना एक की क्लास बोलेंगे टेंटेटिवली तो बोलो पिछली क्लास अगर आपने अटेंड की तो आप मुझे बताओ क्या था कोई भी ऐसी चीज जिसपे दो चीजों का फुलफिलमेंट हो जाए पहला कौन सा कंट्रोल और दूसरा कौन सा आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो और पहली चीज क्या बोली कंट्रोल मतलब ओनरशिप हाँ इसका और इसको एलोबरेट करें तो कंट्रोल मतलब ओनरशिप मतलब क्या एंटिटी उस चीज का कुछ भी कर सकती है वी कैन डू एनीथिंग विद दैट एनीथिंग मीन्स व्हाट वी कैन यूज इट अरे अरे बोलो वी कैन यूज इट और हम उसको सेल कर सकते हैं किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को गिफ्ट में दे सकते हैं किसी उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उसको मॉडिफाई कर सकते हैं व्हाटएवर कुछ भी कर सकते हैं हाँ जी मतलब कुछ भी कर सकते हैं जो भी बोल रहे हो वो भी सब कर सकते हैं अरे मेरी बात समझ में कि नहीं मैंने अभी सुना नहीं ना क्या क्या बोल रहे हो तो वो भी कर सकते हैं यू कैन डू एनीथिंग दिस इज कॉल्ड कंट्रोल अब एक बात बता तुमने मुझसे बोला कि सर मुझे आपकी कार चाहिए 5 दिन चलाने के लिए किराए पर चाहिए रेंट पे चाहिए मैंने बोला ठीक है विश्वास करके मैंने तुम्हें दे दिया तुम्हारी शक्ल पे मैं चला गया मैं चलो ठीक है यार दे देते हैं अपन 5 दिन के लिए मैंने दे दिया क्या तुम बाहर जाके सभी को बोलोगे कंट्रोल अपना नाम लिखवा दोगे पीछे अपना कार में अपना नाम लिखवा दो बोलोगे कंट्रोल क्या तुम कुछ भी कर सकते हो जल्दी बताओ तुम्हें सिर्फ राइट दिया है 5 दिन यूज करने का वो भी लिमिटेड राइट है ये क्या तुम उसको बेच सकते हो क्या तुम उसको किसी को ट्रांसफर कर सकते हो क्या तुम कार को मॉडिफाई कर सकते हो क्या तुम कलर चेंज कर सकते हो क्या तुम टायर निकाल के बेच सकते हो जल्दी बोलो अरे जल्दी बोलो रे इसका मतलब तुम्हें राइट तो दिए पर लिमिटेड राइट दिए जहां हमारे पास लिमिटेड राइट हो तो इसका मतलब क्या मेरे पास कंट्रोल है नहीं आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं तो कंट्रोल का मतलब क्या होता है जहां पर अनलिमिटेड राइट्स हो एज वेल एज हमारे पास रिस्क भी हमारे पास है कि कल को अगर मैं कुछ भी करूंगा तो इसका रिस्क भी ओनर के पास ही है मेरे को ही सब कुछ बियर करना पड़ेगा कुछ आ रही मेरी बात समझ बोलो बच्चों तो लिखो मेरे साथ असेट का मतलब यहां पर लिखेंगे एनी रिसोर्स Which is controlled by the entity. Which is controlled by the entity
फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो। फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो। नीचे लिखो कंट्रोल। कंट्रोल जनरली कंट्रोल कैन बी ऑब्टेन्ड कंट्रोल कैन बी ऑब्टेन्ड कंट्रोल जनरली कैसे आता है? बाय ओनरशिप। कंट्रोल जनरली कहां से आता है? ओनरशिप से। कंट्रोल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ओनरशिप जनरली। ठीक है ना? इट मींस एंटिटी कैन डू एनीथिंग दैट इज। बताइए क्या क्या बोला था हमने, क्या क्या कर सकते हैं? यूज पहले, उसके बाद सेल, रेंट, ट्रांसफर, मॉडिफाई, डिस्ट्रॉय एक्सेट्रा। ठीक है, बोलो बच्चों क्लियर है कि नहीं? अच्छा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है? इसको लाइन को आप क्या समझते हो? इस लाइन से जो ये लाइन लिखी है, फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो, इसका मतलब क्या समझ रहे हो? इसको क्या लग रहा है इसको देखने से? क्या लिखा है आर? क्या लिखा है इसका मतलब क्या है? ऐसा हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स इकोनॉमिकली होंगे। कौन से बेनिफिट होंगे? अरे मॉनिटरी तो होंगे, पर क्या बेनिफिट हो सकते हैं? क्या, कौन से बेनिफिट? सर वो तो डिपेंड करता है कि आपकी असेट कौन सी है। जैसे आपने मशीन परचेस किया, क्या बेनिफिट होंगे? सर आप प्रोडक्शन करोगे तो गुड्स बनेंगे, गुड्स बनेंगे तो क्या करोगे? बेचोगे, बेचेंगे तो क्या होंगे? सेल होगा, सेल होगा तो क्या मिलेगा? पैसा, इनफ्लो ऑफ कैश। अरे बोलो रे, अच्छा बात समझ में आ रही कि नहीं? बोलो बच्चों। तो ये तो डिपेंड करता है असेट के ऊपर कि आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे। बोलो बच्चों, हो सकता है आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स सेल जनरेशन में हो जाए, मतलब आपके सेल बढ़ जाए, मतलब आपका इनकम जनरेट हो। हो सकता है आपका इकोनॉमिक बेनिफिट्स कॉस्ट रिडक्शन के फॉर्म में हो। कॉस्ट का रिड्यूस होना भी तो आपके लिए बेनिफिट हुआ कि नहीं, सोच के बताओ। अरे हुआ कि नहीं हुआ? कैसे? अरे सर कॉस्ट रिड्यूस होगी तो अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे ना, तो कॉस्ट रिडक्शन इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अरे बोलो, टैक्स सेविंग हो रहे हैं बेनिफिट्स की नहीं? जल्दी बोलो। तो यहां पर लिखो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स FEB, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं FEB, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन रेवेन्यू, और इनकम्स
या तो इनकम्स बढ़ेंगी, रेवेन्यूज बढ़ेंगे, दूसरा रिडक्शन इन कॉस्ट, कॉस्ट कम होगी तो भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सकता है। समझ में आ रहा है? और तीसरा टैक्स सेविंग्स, टैक्स सेविंग्स। ये दोनों पॉइंट्स का मतलब समझ में आ गया आपको, कंट्रोल और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। क्योंकि अभी तक तो हम बार बार बोल रहे थे कि एसेट मतलब कंट्रोल मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, बट हमने अभी तक उसको लिखा नहीं था। अभी आपको क्लियर हो गया एसेट मतलब व्हाट, कंट्रोल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने का एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। गाइज अंडरस्टूड और नॉट? तभी उस चीज को क्या बोलेंगे अपन, एसेट। पढ़ो एक बार एसेट की डेफिनेशन जोर से सभी लोग। एनी रिसोर्स which is controlled by entity from which future economic benefits are expected to flow means हमें लगता है कि हमें उसका benefit मिलेगा। आई बात समझ में कि नहीं? Guys understood or not? Okay, the second point is liabilities. The second point is liabilities. पहले लिखते फिर समझते। लिखो, it is a present obligation. Of entity, it is a present obligation of entity which is to be settled by outflow of economic benefits. Present obligation of entity which is to be settled by outflow. Which is to be settled by outflow. लिख लिया? Obligation मतलब, obligation मतलब, जल्दी बोलो। हाँ जी, compulsion, duty, promise, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जितने भी वर्ड्स ले रहे हो, यस, ये सब इंटरचेंजेबल वर्ड्स बोल सकते हैं, डेफिनेटली यस। ऑब्लिगेशन का एक बेसिक मतलब होता है टू मेक सम प्रॉमिस। आपने प्रॉमिस किया है कि आप वो चीज फुलफिल करोगे। अरे बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही कि नहीं? और वो प्रॉमिस आपने जो किया हुआ है आप उसको निभाओगे, ये डेफिनेटली आप मान के चल रहे हो, मतलब वो आपका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब फॉर विच, जिसके लिए आप एक्चुअली, आपका इंटेंशन है कि यस आप इसको निभाओगे, आप वो प्रॉमिस को फुलफिल करोगे, आपका इंटेंशन है कि आप उसको फाइनली निभाओगे कुछ भी हो जाए।
जैसे आप मेरी क्लास में आ रहे हो, मुझसे क्लासेस ले रहे हो, मैंने बोला कि ठीक है फीस बाद में दे देना, आप मुझसे पढ़ रहे हो, आपने पूरा पढ़ लिया और आपने बोला कि यस मुझे सर को फीस देना है, ये मेरा इंटेंशन है, दैट मींस ये मेरी ऑब्लिगेशन है, मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अरे बोलो रे। कल को एक बच्चा आया, उसने बोला सर मैंने आपसे पढ़ा तो था, आपका सो एंड सो अमाउंट का फीस तो था, फॉर एग्जाम्पल 10,000 का फीस तो था, बट सर बाद में क्या हुआ मेरे को ना दो बुक्स प्रोवाइड नहीं की गई। ऐसा कभी होगा नहीं, डोंट वरी। बाद में ना मेरे को दो बुक्स प्रोवाइड नहीं की, सर मेरे को बुरा लग गया, इसलिए सर मैंने ना सिर्फ 6,000 पे किए, बाकी 4,000 मैं पे ही नहीं करूंगा। अब 4,000 पे नहीं करूंगा क्यों? क्योंकि तेरे पास एक वैलिड रीजन है, क्योंकि वो तेरे को दो बुक्स प्रोवाइड नहीं की थी। तो ये ऑब्लिगेशन तो है पर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि तू उसके लिए बोल रहा है कि नहीं मैं पे नहीं करूंगा। ऑब्लिगेशन ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं कि इतनी फीस है, तू आ जा बुक्स मेरे से ले जा और तू फीस दे दे बाकी। तूने बोला सर मैं नहीं दूंगा। अरे मेरी बात समझ में कि नहीं? सो यहां पर ये नहीं कह सकते कि ये तेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन सिर्फ तेरे लिए क्या थी? 6,000 वाली। अरे बोलो यार समझ में आ रहा है कि नहीं? गाइस अंडरस्टूड और नॉट? सो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब जिसके लिए तेरा इंटेंशन क्लियर है कि यस तेरे को पे करना पड़ेगा। यहां पर इसका मतलब पूरा डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? इंटेंशन के ऊपर। किसके ऊपर है? इंटेंशन के ऊपर है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? सो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब द एंटिटीज इंटेंशन इज वेरी क्लियर दैट इट हैज टू पे। समझ में मेरी बात आ रही है कि नहीं? तुम्हारा इंटेंशन क्लियर है, तुम्हें पे करना है, करना है मतलब करना है। अब ये हंस रहा है, जैसे ये बोल रहा है सर मेरा तो इंटेंशन ही नहीं है, सर दो उखाड़ना है उखाड़ लो। हाँ तो यही सोच रहा है ना बेटा बहुत देर से। हाँ जहां मेरा इंटेंशन क्लियर है, अब ये मन ही मन सोच रहा है मेरा इंटेंशन क्लियर है सर, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे पे नहीं करना है, मतलब ये समझ गया सर आप, मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का डेफिनेशन सबसे क्लियर समझ गया कि हाँ सर मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है। द पॉइंट इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, मैं आपको बार बार प्रेजेंट वर्ड इसलिए ले रहा हूं जहां पर एंटिटी का इंटेंशन क्लियर है कि यस मुझे पे करना ही पड़ेगा। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं? सर मतलब जहां इंटेंशन क्लियर नहीं है वो कौन सी ऑब्लिगेशन होती है? वो होती है पॉसिबल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन दो टाइप की होती है। ऑब्लिगेशन कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। कौन कौन सी? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जहां तुम्हारा इंटेंशन क्लियर है, और दूसरा पॉसिबल ऑब्लिगेशन। सर वो लिखना पड़ेगा क्या? नहीं मत लिखो, सिर्फ मैंने आपको बता दिया अभी मत लिखो, ये चीजें मैं आपको एएस में समझाऊंगा, क्योंकि ये सब एएस में लिखी हुई है, ये सब हम तब समझेंगे, डोंट वरी। बस मैंने आपको बता दिया कि दो बार दो टाइप की ऑब्लिगेशन होती है। कौन कौन सी दो टाइप की होती है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जहां पर आपका इंटेंशन क्लियर है कि यस यू हैव टू सेटल इट, यू हैव टू पे इट, यू हैव टू डिस्चार्ज दिस। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। और क्या इंटेंशन है तुम्हारा? क्या क्या इंटेंशन है? जल्दी बोलो क्या इंटेंशन है? कि तुम्हारे यहां से कुछ ना कुछ क्या होने वाला है? आउटफ्लो होने वाला है। किस चीज का आउटफ्लो होने वाला है? अरे वही इकोनॉमिक बेनिफिट जो तुम ऊपर से बता रहे थे कि मुझे इनफ्लो होगा, अब उन्हीं बेनिफिट्स का क्या होने वाला है? आउटफ्लो। अरे बोलो ना यार, असेट में क्या था? इकोनॉमिक बेनिफिट्स का इनफ्लो होने वाला था, अब उन्हीं इकोनॉमिक बेनिफिट्स का क्या होने वाला है? आउटफ्लो होने वाला है, मतलब कैश का आउटफ्लो होने वाला है, या हो सकता है किसी काइंड में तुम पे करने वाले हो, तुम अपने शेयर देने वाले हो, तुम किसी कंपनी के शेयर देने वाले हो, इन आउटफ्लो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? गाइस अंडरस्टूड और नॉट? पहले इतना लिखा कि नहीं लिखा? लिखा। हम इसके नीचे लिखे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, मींस एंटिटीज इंटेंशन टू डिस्चार्ज और सेटल इज वेरी क्लियर to discharge or settle is very clear मतलब उसका intention बिल्कुल clear है, उसको pay करना पड़ेगा, वो मान के चल रहा है। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं?
और दूसरा हमने लिखा था आउटफ्लो। आउटफ्लो कैन बी इन कैश, शेयर्स और एनी असेट। आउटफ्लो किसी भी असेट में आप कर सकते हो। आपने बिल्डिंग देना है, आपको शेयर देना है, आपको गाड़ी देना है, जो भी एग्रीमेंट हुआ। अरे समझ आया कि नहीं? मैंने आपको पढ़ाया, आपने मुझे बोला कि सर ठीक है, आपने मुझे पढ़ाया, आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं आपको बिल्डिंग दूंगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी दूंगा, एग्रीमेंट हो गया। दैट मींस अब तुम मुझे क्या दोगे? प्रॉपर्टी। दैट इज आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। वो प्रॉपर्टी तुम्हारी थी, तुम्हें इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बट तुम वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स मुझे शिफ्ट कर रहे हो। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? गाइस अंडरस्टूड ऑर नॉट? नहीं नहीं सर, बिल्डिंग दूंगा नहीं मैं, बिल्डिंग आपको 6 महीने के लिए यूज करने के लिए दे दूंगा और किराया आपसे नहीं लूंगा। ये भी मेरे को क्या है? ये भी तुम्हारे लिए क्या हो गई एक तरीके से? ऑब्लिगेशन। अरे बोलो ना यार, गाइस अंडरस्टूड ऑर नॉट? तो आउटफ्लो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कैश के फॉर्म में, है ना, कैश के फॉर्म में, या फिर शेयर्स के फॉर्म में, या फिर किसी भी असेट के फॉर्म में। गाइस अंडरस्टूड ऑर नॉट? पहले दोनों चीजें पढ़ लो एक बार अच्छे से, असेट्स लिखवाया और लाइबिलिटीज लिखवाया, दोनों एक बार चीजें पढ़ लो प्लीज। फिर से बोलना। मैंने आपको बोला है असेट्स और लाइबिलिटीज, ये दोनों पढ़ने को बोला है। पढ़ लिया? टेल मी, असेट लाइबिलिटीज, गाइस अंडरस्टूड और नॉट? असेट और लाइबिलिटी कहां दिखाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बैलेंस शीट में कि पेंडल में? हाँ जी, बैलेंस शीट। ओके, द थर्ड वन इज इक्विटी। इक्विटी मतलब कैपिटल, इन सिंपल मीनिंग इट इज अ कैपिटल। आप चाहो तो लिख भी सकते हो साइड में, सिंपली इट इज कॉल्ड कैपिटल। इसको अपन कैपिटल बोल सकते हैं, नेटवर्थ बोल सकते हैं, नेट असेट बोल सकते हैं, शेयर होल्डर्स फंड बोल सकते हैं, कई सारे नाम हो सकते हैं इसके।
इक्विटी। अच्छा बताओ, असेट्स को तो आप बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाते हो, लायबिलिटीज को आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हो, इक्विटी को कहां दिखाते हो, मतलब कैपिटल नेटवर्थ को कहां दिखाते हो, लायबिलिटी। तो क्या इक्विटी एक लायबिलिटी हो गया? क्या इक्विटी एक लायबिलिटी है क्योंकि वो लायबिलिटी साइड में दिखता है? नहीं, इक्विटी एक लायबिलिटी नहीं होता, नहीं होता इक्विटी लायबिलिटी नहीं होता, दिखता वो लायबिलिटी साइड में है ना, दिखता वो लायबिलिटी साइड में है, बट लायबिलिटी साइड में भी दिखने के बाद ध्यान से देखिएगा, अभी मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं जो हम कल पढ़ने वाले हैं, अपना जो कल का टॉपिक होगा ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, दैट इज शेड्यूल नंबर 3। शेड्यूल 3 मतलब फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं ना, प्रेजेंटेशन वो डिस्क्लोजर्स, हम उस पर डिस्कस करने वाले, क्योंकि उसमें एक्चुअली वो आपका बेसिक्स भी है और उसमें से एक्चुअली भी कभी कभार 5-6 मार्क्स का पूछा भी जाता है। देखो पढ़ने अपन कल वाले हैं, बट अभी मैं आपको सिर्फ वो फॉर्मेट दिखा रहा हूं। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। जैसे अपन पहले अपन बनाते थे टी शेप करके बैलेंस शीट, अब वो टी शेप बैलेंस शीट नहीं बनती, ठीक है ना, अब बैलेंस शीट बनती है वर्टिकल शेप में, इस टाइप से, ठीक है। तो उसके लिए कुछ कॉलम्स आपके होते हैं, पहला कॉलम होता है पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम होता है नोट नंबर। नोट नंबर मतलब आप जो भी आइटम दिखा रहे हो उसकी नंबरिंग कर रहे हो कि नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, मतलब आप 1 पे जाइए आपको डिस्क्लोजर दिख जाएगा, आप 5 पे जाइए आपको उस चीज का डिस्क्लोजर दिख जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डिस्क्लोजर के बारे में बताया था, नोट्स टू अकाउंट्स करके, तो उसकी नोटिंग डलती है कि अच्छा मुझे इस आइटम के बारे में जानना है तो मुझे उस नोट नंबर में जाना पड़ेगा, ऐसा होता है। अच्छा, उसके बाद तीसरा कॉलम होता है फिगर्स एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड और फिगर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब करंट ईयर के फिगर्स और लास्ट ईयर के फिगर्स, दो करके लिखते हैं। अरे समझ में आ रही बात? हेडिंग पे अब ज्यादा मत जाओ, मेन इधर आ जाओ। जैसे ही बैलेंस शीट बन रही है आपका सबसे इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट है, मेन हेडिंग है, क्या क्या लिखा है? इक्विटी एंड, मतलब उसने शुरू में ही बोल दिया कि ये सिर्फ जो पार्ट है ये लायबिलिटीज का पार्ट नहीं है, यहां पर दोनों चीजें आएंगी, कौन सी? इक्विटी भी आएगा और लायबिलिटी भी आएगा, जिसमें वो बोलता है कि भाई इक्विटी जो आएगा वो ये सब आएगा, यहां तक, इवन यहां तक, और जो लायबिलिटी आएगा वो यहां से शुरू होगा। कुछ मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? अरे अलग अलग कलरिंग की है मैंने जानबूझकर ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको, है एक ही साइड जो कि आपका आ रहा है और यहां पर आपके आपका फाइनली टोटल आ रहा है, टोटल के जस्ट नीचे क्या लिखा आ रहा है? असेट, मतलब टोटल तक आपका पूरी सारी चीजें बातें हो गई, अब आपको असेट लिखना है। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो टोटल के लिए भी आपके दो चीजें दिख रही हैं, दो चीजें, कौन कौन सी? एक तो मैंने जो ग्रीन किया है वो कौन सा है? इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर फंड, अरे बोलो ना यार। और जो दूसरा जो मैंने येलो मार्क किया है वो क्या है? लाइब्रेरीज, जैसे मैंने लाइब्रेरीज में नॉन करंट लाइब्रेरीज दिखाया है और दूसरा क्या दिखाया है? करंट लाइब्रेरीज। दिख रहा है आपको? अरे दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है? तो मैं सिर्फ आपको इसीलिए दिखा रहा हूं ताकि पहले तो आपके भेजे में यह बात क्लियर हो सके कि जो इक्विटी होता है वो दिखता तो लाइब्रेरी के साथ ही है पर वो लाइब्रेरी होता नहीं है, वो लाइब्रेरी नहीं होता। तो सर क्या होता है? इक्विटी होता है। क्या होता है सर? सर आपने बताया ना, कैपिटल होता है, नेटवर्थ होता है, नेट असेट होता है। लिखो इक्विटी मतलब, लिखो, अभी मैं आपको लिखवा रहा हूं, मैं नहीं लिख रहा अब आपको लिखवा रहा हूं, सर मैं लिख नहीं रहा हूं, लिखो इक्विटी। इक्विटी इज अ रेसिडुअल इंटरेस्ट, इक्विटी इज अ रेसिडुअल इंटरेस्ट, रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द नेट असेट्स ऑफ कंपनी,
क्या लिखा आपने? रेसिडुअल, जल्दी बोलो क्या लिखा? रेसिडुअल इंटरेस्ट। क्या होता है रेसिडुअल इंटरेस्ट का मतलब? बचा हुआ, जल्दी बोलो बचा हुआ। हाँ, इक्विटी इज अ रेसिडुअल इंटरेस्ट, बचा हुआ। बचा हुआ मतलब किस सेंस में अपन बात कर रहे हैं? बचा हुआ क्या? बचा हुआ प्रॉफिट, बचा हुआ। हाँ ठीक है, सही बात बोले, प्रॉफिट बचा हुआ प्रॉफिट। अच्छा एक बात बताओ, जैसे यहां पर जितने भी सब लोग बैठे हुए हैं, मान लो तुम सब ने मेरी कंपनी में पैसा लगाया है, बट अलग अलग तरीके से लगाया है। अब जैसे ये वाली लाइन है, वो जो पहली वाली लाइन है, मान लो वो बैंक्स हैं, अलग 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 बैंक्स हैं, और तुम लोगों ने मुझे लोन्स दिए हैं, मतलब तुम लोगों ने मेरी कंपनी में पैसा लगाया है। किस फॉर्म में पैसा लगाया बेटा उन लोगों ने? लोन्स के फॉर्म में। अरे बोलो यार। दूसरा, ये जो लाइन है, ये लाइन है डिबेंचर्स की। कौन सी लाइन है? मतलब मैंने इनको अपनी कंपनी के डिबेंचर इशू किए और मैंने इनसे पैसे लिए, तो एक तरीके से डिबेंचर भी तो लोन होता है। डिबेंचर भी क्या होता है बेटा? एक तरीके से लोन होता है, ये समझना। डिबेंचर एक क्या होता है? एक प्रकार का लोन होता है। तो इन्होंने भी मेरी कंपनी में पैसा लगाया है लोन के फॉर्म में। अरे बोलो बच्चों, गाइज अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, बाकी जितने यहां पर लोग बैठे हुए हैं, यहां से लेकर इतने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, इन सब ने मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं। क्या खरीदे? इक्विटी शेयर्स। मतलब खरीदने के लिए तुमने मुझे पैसे दिए होंगे, मतलब तुमने भी मेरी कंपनी में पैसा लगाया है। इसका मतलब मेरी कंपनी में पैसा बैंक से लगाया गया है, मेरी कंपनी में पैसा डिबेंचर होल्डर से लगाया गया है, और मेरी कंपनी में पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स के थ्रू भी लगाया गया है। मुझे बैंक को क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट। मुझे डिबेंचर होल्डर्स को क्या पे करना पड़ता है? बोलो कर, क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट। और मुझे शेयर होल्डर्स को क्या इंटरेस्ट पे करना पड़ता है? क्या क्या पे करना पड़ता है? अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कल को अगर मेरी कंपनी ने चाहे बिजनेस किया चाहे बिजनेस नहीं किया, मुझे इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। मुझे इंटरेस्ट बैंक को और डिबेंचर होल्डर्स को पे करना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो। पर अगर कल को मेरी कंपनी ने बिजनेस नहीं किया, मुझे प्रॉफिट्स नहीं हुए, मुझे लॉसेस हो गए, तो जरूरी नहीं कि मैं तुम लोगों को डिविडेंड दूं। कुछ आया बात समझ में कि नहीं? और तुम लोग मुझसे डिमांड भी नहीं कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? नहीं आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? पर क्या वो लोग डिमांड कर सकते हैं क्या इंटरेस्ट? यस, वो लोग डिमांड कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? सर ऐसा क्यों? क्योंकि वो बाहरी लोग हैं, वो कंपनी के बाहरी व्यक्ति हैं, और तुम कंपनी के लोग हो। कंपनी तुम ही लोगों की है, कंपनी चला भी तुम ही रहे हो। कल को कंपनी में फायदे भी हुए तो वो भी सब तुम्हारा ही होगा। इन लोगों को इंटरेस्ट पे कर दिया जाएगा। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा दूसरा, बैंक से मैंने इंटरेस्ट लिया है मान लो 12% पर। कितना लोन, कितना इंटरेस्ट लिया है? 12% का लोन लिया मैंने, तो मुझे इनको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? कल को ऐसा होगा क्या कि ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो बैंक अचानक से आ जाएगा, बोलेगा 12 नहीं चाहिए 15 चाहिए? क्या ऐसा होता है क्या? क्या डिबेंचर होल्डर भी बोलेंगे क्या ऐसा कि नहीं नहीं 13 नहीं चाहिए? मान लो इनके साथ 13% का ट्रीटमेंट हुआ है, तो ये बोलेंगे नहीं नहीं आपका ना प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ है, हमें 13 नहीं चाहिए, हमें 16% चाहिए? ऐसा होगा क्या? नहीं। बट यू कैन डिमांड लाइक दैट कि यार सर इस बार आपके प्रॉफिट अच्छे हुए, क्या ज्यादा दे सकते हो क्या? या आप बोलोगे भी नहीं ना, तो भी कंपनी क्या बोलती है कि जो भी एंड में प्रॉफिट बचा हुआ है वो सब किसका है? शेयर होल्डर्स का। अरे बोलो रे, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं रेसिडुअल इंटरेस्ट। रेसिडुअल इंटरेस्ट मतलब जो भी एंड में बचा वो सब किसका? इक्विटी शेयर होल्डर्स का, मतलब ओनर्स का। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? एंड दैट इज द रीजन आपको बोला जाता है रेसिडुअल इंटरेस्ट। कल को मेरी कंपनी बंद हो जाए, कल को मुझे अपनी कंपनी को वाइंड अप करना पड़े, मुझे बताओ रीपे मुझे सबसे पहले किसको करना पड़ेगा? आप लोगों को कि बैंक और डिबेंचर होल्डर्स को? जल्दी बोलो, बैंक और डिबेंचर होल्डर्स को रीपे करना पड़ेगा। कहां से रीपे करूंगा? कंपनी की असेट्स बेच के। कंपनी की असेट्स बेच के जो भी मिलेगा वो सब किसके लिए होगा? जल्दी बोलो, सबसे पहले किसके लिए होगा? बैंक। उसके बाद किसके लिए होगा? और अंत में जो भी बच जाएगा वो किसके लिए होगा? अब पॉइंट को पढ़ो, क्या लिखा है आपने जो पॉइंट लिखा है इक्विटी का डेफिनेशन, क्या लिखा है आपने? इट इज अ रेसिडुअल इंटरेस्ट। किसमें?
नेट असेट्स में, कंपनी की नेट असेट में वो तुम्हारा रेसिडुअल इंटरेस्ट है। नेट असेट मतलब सारी जो असेट तुमने बेची है ना, और जो लाइबिलिटीज तुमने माइनस कर दी, मतलब डिस्चार्ज कर ली, जो अंत में बचा उसमें तुम्हारा क्या है, रेसिडुअल इंटरेस्ट। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तुम लोगों ने सबने मिलकर एक एक लाख रुपए लगाए, एक लाख एक लाख एक लाख एक लाख एक लाख रुपए लगाए, अंत में मेरे पास नहीं बचा, तुम्हारे पास तुम्हें रीपे करने के लिए मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं बचा, क्या तुम मुझे बोल सकते हो क्या कि सर हमें तो एक एक लाख रुपए अपना वापस चाहिए? टेल मी सर, अगर तुम बोल सकते हो तो तुम पक्की बात है इक्विटी नहीं हो, तुम कोई और हो। कोई और मतलब या तो तुम डिबेंचर्स हो या तो तुम कोई लोन प्रोवाइडर हो, पर तुम इक्विटी नहीं हो। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि इक्विटी होल्डर कभी कंपनी पे क्लेम नहीं कर सकता, बैंक की तरह, डिबेंचर होल्डर्स की तरह कभी भी कंपनी के ऊपर क्लेम नहीं कर सकता। अगर तुम क्लेम कर सकते हो तो मतलब तुम इक्विटी नहीं हो, तुम कुछ और। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? बोलो ना बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ तो लिखो। इक्विटी होल्डर्स कैन नॉट क्लेम ऑन द कंपनीज, इक्विटी होल्डर्स कैन नॉट क्लेम ऑन द कंपनीज। अंडरस्टूड गाइस? Cannot claim on the companies. आगे फुल स्टॉप लगा के लिखो आगे। Suppose if company is being wound up, suppose if company is being wound up मतलब wind up हो गई, अगर कंपनी बंद हो जाए, suppose if the company is being wound up, equity holders will get their money, After all liabilities, सभी liabilities माइनस करने के बाद, सभी liabilities को पे करने के बाद ही तुम्हें मिलेगा। After all liabilities, guys, understood or not? तो ये था तुम्हारा equity. Clear है? अच्छा, इसमें एक point यहाँ पर डालने रहा, इक्विटी इज इक्वल टू, लिखो यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस इसको बोलते हैं इक्विटी। मतलब इक्विटी में सिर्फ शेयर कैपिटल नहीं आता, इक्विटी में आज तक के कमाए हुए प्रॉफिट्स या फिर अगर कुछ लॉसेस हैं तो वो भी एडजस्ट होते हैं। गाइज यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? टेल मी गाइज, यहां तक बातें क्लियर है कि नहीं? पक्का? सच्ची बताओ, पक्का? चलो 5 मिनट पहले ओवरऑल रिवाइज कर लेते हैं और आज की क्लास में जल्दी कंक्लूड कर रहा हूं, आज का सेशन में थोड़ा जल्दी कंक्लूड कर रहा हूं। पहले पूरा अपन अभी तक जितना पढ़ा पूरा एक बार रिवाइज मेरे साथ करते हैं। गाइस आज की क्लास में हमने आके दो बातें डिस्कस की। अच्छा, अभी जो एलिमेंट्स मैंने बताए उनमें से मैंने दो एलिमेंट्स अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किए। सो अभी तक हमने आज की क्लास में दो अलग अलग बातें पढ़ी। पहला क्या था? टेल मी, फर्स्ट वॉज वॉट? बेसिक प्रिंसिपल्स।
है ना, चार प्रिंसिपल्स हैं। कौन कौन से चार प्रिंसिपल्स हैं? रिकॉग्निशंस, मेजरमेंट्स, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। रिकॉग्निशन मतलब रिकॉर्डिंग करना, किसकी रिकॉर्डिंग करना? असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, इक्विटी और आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या फिर फाइनेंशियल इवेंट्स। अच्छा, रिकॉग्निशन करना, उसके बाद दूसरा क्या? मेजरमेंट दो अलग अलग जगह पे होता है, लिखवाया था। मेजरमेंट दो अलग अलग जगह पे होता है, कब कब होता है मेजरमेंट? इनिशियल रिकॉग्निशन मतलब रिकॉग्निशन करते वक्त, और दूसरा बैलेंस शीट डेट पर। क्या होता है दूसरा? बैलेंस शीट डेट पर। आई मेरी बात समझ में? अच्छा, तीसरा क्या होता है? तीसरा क्या होता है? तीसरा क्या होता है? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किसको प्रेजेंट करना? असेट को, लायबिलिटी को, इनकम को, इक्विटी को, एक्सपेंसेस को प्रेजेंट करना प्रॉपरली। अरे मैंने करवाया था ना वो करेक्ट इनकरेक्ट वाला, वो एक बैलेंस शीट वाला करके दिया था, ठीक है। और चौथा क्या होता है? डिस्क्लोजर्स। किस चीज का डिस्क्लोजर? हाँ, मटेरियल इंफॉर्मेशन। क्या मटेरियल इंफॉर्मेशन क्या होती है? क्या होती है? जो यूजर के डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सके। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? गाइज, अंडरस्टूड और नॉट? अच्छा, उसके बाद हमने पांच इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पढ़े, पांच में से अभी तक हमने दो नहीं पढ़े हैं। तीन कौन से पढ़े हमने? असेट। किसी भी चीज को असेट बोलने के लिए दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, कौन कौन सी? कंट्रोल और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? कंट्रोल क्या बोलते हो? कंट्रोल मतलब जनरली कंट्रोल कहां से आता है? ओनरशिप से, मतलब तुम यूज कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, रेंट पे दे सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, वॉट एवर यू कैन डू। आई बात समझ में कि नहीं? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स किस फॉर्म में मिल सकते हैं? लिखा हुआ है नलायको, लिखा हुआ है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट किस फॉर्म में मिल सकते हैं? सर, रेवेन्यूज के फॉर्म में मिल सकते हैं, है ना, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट के फॉर्म में मिल सकते हैं, टैक्स सेविंग्स के फॉर्म में मिल सकते हैं। आ रही है भाई बात समझ में? ठीक है। और उसके बाद दूसरा हमने क्या लिखा था? लायबिलिटी के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, कौन कौन सी? एक तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन समझते हो क्या होता है? क्या इंटेंशन था कुछ, याद करो, बोलो बोलो। एंटिटी का इंटेंशन क्लियर कट है कि यस वी हैव टू डिस्चार्ज। गाइस, अंडरस्टूड और नॉट? और दूसरा क्या? हाँ, आउटफ्लो। किस चीज का आउटफ्लो? इकोनॉमिक बेनिफिट्स का आउटफ्लो होगा। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? जैसे कैश के फॉर्म में, काइंड के फॉर्म में, शेयर्स के फॉर्म में, वगैरह वगैरह। और तीसरा क्या? तो थर्ड वन इज इक्विटी। क्या इक्विटी एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है क्या? नहीं 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 नहीं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं होती है। इक्विटी क्या होता है? रेसिडुअल इंटरेस्ट, कंपनी की नेट असेट्स में रेसिडुअल इंटरेस्ट। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? और इक्विटी का हमने क्या फॉर्मूला देखा? क्या फॉर्मूला होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ये मैंने आपको एक बेसिक फॉर्मूला लिखवाया है, आगे चल के आपको कई सारी अलग अलग जगह पे इसमें हल्के फुल्के प्लस माइनस एडजस्टमेंट और मिलेंगे, बट क्योंकि हम अभी नए नए बच्चे हैं तो अभी ज्यादा इतना ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, पर आगे चल के इस फॉर्मूले में बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, बट बेसिक तो ये रहेगा ही रहेगा। आई बात समझ में कि नहीं? सो गाइस, चलो इसी के साथ साथ हम आज का सेशन में अभी तक यहीं पर कंक्लूड करते हैं। अगले सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको अभी बता देता हूं। अगले सेशन में हम जो ये दो एलिमेंट्स बचे हुए उनकी बात करेंगे, और आपको अलग से नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और शेड्यूल 3 जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आपका जितना भी पूरा कंपनी अकाउंट्स है जिसमें आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, पीएनएल बनाना पड़ता है, वो टॉपिक मैं करवाऊंगा, मतलब शेड्यूल नंबर 3 जिसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। टाइम पे आने की कोशिश करिए, ठीक है ना। लेट ठीक है, चलता है, बट एक एक घंटा लेट, आधा आधा घंटा लेट वो नहीं चलता, क्योंकि नहीं तो आपको मजा नहीं आएगा क्लास में, समझने में मजा नहीं आएगा, राइट। सो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है गाइस। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज़।